Hey guys, good morning. Welcome back to Mommy and Flurry Tale. और आज है Saturday date. आज का date क्या है? 3rd July. ये मेरा हमेशा का problem है. मैं day याद रखती हूँ तो date भूल जाती हूँ. Date याद रखती हूँ तो day भूल जाती हूँ. दोनों साथ में मुझे कभी याद नहीं रहता है. Saturday morning and we are out. Saturday सुबह जब हम निकले थे तब काफी cloudy था. अभी थोड़ा थोड़ा bright हो रहा है weather. और पीछे है Flaru and QQ. Here is Flaru. दोनों एक दूसरे के सहारा बन के पीछे बैठे हैं और हम कहाँ पे जा रहे हैं तो ये व्लॉग जब कर रही हूँ तो ऑफकोर्स फ्लरी कियारा के लिए कहीं पे जा रहे हैं और हम जा रहे हैं उनको ग्रूमिंग में लेके. नॉट नेसेसरी कि हम फ्लरी कियारा के लिए कहीं पे जाएंगे तभी व्लॉग करेंगे. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. बट इस चैनल पे जनरली फ्लरी कियारा पे ही फोकस रहते हैं मेरे सारे व्लॉग्स. वी आर गोइंग टू ट्राई अ न्यू ग्रूमिंग स्पा हियर एंड हर्ड गुड रिव्यूज अबाउट देम. ऑल्सो आई गॉट दिस रिकमेंडेशन फ्रॉम चांद्रई दी को आप लोगों ने हमारे व्लॉग में देखा था. तो यहाँ पे वन ऑफ द ग्रूमर्स इन दिस स्पा इज चांद्रई दी इज वेरी क्लोज फ्रेंड. तो देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा होता है. जैसे मैं पहले भी कही हूँ कि कोलकाता में देर इज नॉट अ सिंगल स्पा जहाँ पे सर्टिफाइड ग्रूमर्स है जो हमें बैंगलोर में मिलता था. तो अभी इसी में जो सबसे अच्छे हैं उसी को ढूंढने की कोशिश हम कर रहे हैं. लास्ट जो दो जगह पे गए थे द फर्स्ट वन वाज आई वुड से इट वाज ओके बट ओवर प्राइस्ड पिंक पॉज व्हिच वाज नॉट बैड बट कंपेयरिंग टू द प्राइस टैग दैट दे हैव आई थॉट दैट इट इज रियली ओवर प्राइस्ड स्टिल चार्जिंग लाइक More, yeah, they charge 6,000 rupees for both. Yeah, so which is more than each. What we pay in Bangalore, and that too we go to Varun, who is a certified pet groomer. आप में से बहुत सारे लोग जानते हो क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वरुण के पास गए हो मेरे वीडियो देखने के बाद and he does excellent job. उसके बाद हम गए थे पॉसम पॉस. बहुत ही बुरा सर्विस है. फ्लरी के बॉडी में मुझे बाद में रेजर का कट्स भी मिला था एंड मैंने उनको बोला भी था फ़ोन करके. आई सेंड हर द पिक्चर्स ऑल्सो एज शी आस्क्ड फॉर इट बट आफ्टर दैट आई नेवर गॉट एनी आंसर फ्रॉम हर दैट व्हाट शी डिड विद दोज फोटोज एंड शी वॉज ऑफरिंग मी अ फ्री सर्विस आफ्टरवर्ड्स बट आई सेड इवन इफ यू गिव मी फ्री सर्विस नाउ आई एम नॉट गोना कम. तो बहुत ही मेरा बुरा एक्सपीरियंस था वहाँ पे. और आज हम जहाँ पे लेके जा रहे हैं दिस स्पा इज कॉल्ड अभी नहीं बताऊंगी पहले पहुँचती हूँ फिर बताती हूँ. इट्स इन साउथ कलकत्ता. मेरे पापा के घर से बहुत नज़दीक है ये बट अभी हम जहाँ पे रहते हैं हमारे फ्लैट से काफ़ी दूर है. हमारे फ्लैट से एक्चुअली कोई भी अच्छी जगह अभी दूर ही लगता है क्योंकि हम ही बहुत दूर रहते हैं. ये सारी जगह प्राइम लोकेशन पे ही है बट हमारा घर थोड़ा दूर पड़ गया है. वी हैव आवर अपॉइंटमेंट एट 11:45 सो वी स्टार्टेड अराउंड 11 o'clock क्योंकि दिखा रहा था 40 मिनट लगेगा. एक्चुअली वी स्टार्टेड एट 10:55 हाँ To be precise, और तब हमें दिखा रहा था कि ऐसे ही 39 मिनट्स में पहुंच जाएंगे. सो वी थॉट वी विल बी देयर ऑन टाइम बट ये रोड में कुछ नहीं बोल सकते कब कहां पे अटक जाते हो. तो उसी में इतना टाइम लग गया. नाउ इट्स 11:40 एंड इट्स स्टिल सेइंग दैट इट विल टेक 8 मोर मिनट्स. तो हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं. तो चलिए जाते हैं और मैं जितना हो सके आपके साथ शेयर करूंगी. पता नहीं पहली बार जा रही हूँ कितना शूट कर पाऊंगी वहाँ पे नहीं कर पाऊंगी बट कोशिश करूंगी जितना हो सके थोड़ा बहुत क्लिप्स लेके और बाद में मेरा एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर दूंगी. सो कोलकाता के पेट पेरेंट्स अगर लुकिंग फॉर गुड ग्रूमिंग स्पा तो हो सकते हैं उनको कुछ हेल्प आए. अच्छा सेंट्रल रोड राइट यू शुड हैव कम थ्रू योर पेरेंट्स एंड डैड्स होम. इट विल बी इजी ना. मेरे पापा के घर से ये बस 15 मिनट है ये जगह. एनीवेज चलो अब क्या कर सकते हैं अभी जाते हैं फिर पूरा दिन उनको वहाँ पे छोड़ के बोला है 4 घंटा लगेगा. उसके बाद हमारा भी कुछ काम है वो हम बीच में ख़त्म कर लेंगे तो चलते हैं. होपफुली सब कुछ अच्छा अच्छा होगा और अच्छे एक्सपीरियंस के साथ स्माइल के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे. फ्लज्जू क्या दोनों बैठ गए. गाड़ी रुका है ना सिग्नल पे जैसे गाड़ी तुमने स्टार्ट किया कियारा फटाक से बैठ गई. क्यों माय स्मार्ट बेबी ओ माय स्मार्ट बैग. तो थोड़ा सा आपके साथ डायरेक्शन शेयर करती हूँ. ये है राज बिहारी मोड़ जहाँ से हम जा रहे हैं टूवर्ड्स गरियाहाट मतलब देशोप्रियो पार्क. हाँ उस साइड में. मैं ये स्पा का एड्रेस नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में फिर भी एक बार लोकेशन भी दिखा देती हूँ फास्ट फॉरवर्ड में. लेक मॉल को आपके राइट साइड में रख के सीधा जाना पड़ेगा नेक्स्ट सिग्नल से लेफ्ट में. और
यहाँ पे एक येलो कलर का पुराना घर है, यहाँ से राइट पार्क साइड रोड। यही पे कहीं पे है तो, वो आगे उधर। अच्छा हाँ यहाँ पे नेल स्टूडियो। Your feelings, the city screaming. We're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear, they will let you down. So we better stick together. Let's come whatever. We're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. We only need. But you're trying to deny that we should be together. It's heavy weather we're heading for tonight. You better take what you can, cause the time is right now. Other spas and groomers, they ask you to leave and यहाँ पे बिल्कुल अलग है. They generally don't allow parents to leave the babies and go. But हमारा कहेंगे हमें ये पता ही नहीं था और हम हर एक जगह पे यही देखे कि बच्चों के साथ पेरेंट्स को रहने नहीं देते ग्रूमिंग के टाइम. हमने इस बीच हमें लगा 3-4 घंटा लगेगा, तो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हमें आज सबमिट करना ही पड़ेगा वो हम ऑलरेडी वो कमिटमेंट करके आए हैं. और ऐसे रेगुलर तो बाहर आना नहीं होता है, तो आज हमको जो लगा कि हम यहाँ पे आते हैं तो वो काम कर लेंगे. मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया हैंड्स में है, तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं हुआ. मैं चाह रहा था कि चलो अभी चलते हैं, क्योंकि द मोर वी स्टे देयर इफ दे सी अस राइट दे गेट अ बिट यू नो हाइपर एक्साइटेड हाइपर, सो इट्स बेटर दैट वी डोंट स्टे. एंड नॉर्मली दे आर हैबिचुएटेड वी नॉट स्टेइंग देयर, सो बिकॉज लॉट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव केप्ट देम और फिर हम निकल जाते हैं. तो इस केस में भी वो उनके लिए कोई नया एक्सपीरियंस है नहीं, तो आई थॉट दैट इट्स बेटर दैट दे स्टे देयर एंड वी गो फॉर आवर वॉक. कियारा तो बहुत हाइपर हो रही थी, वो बाथटब में ऑलमोस्ट निकल के आ रही थी मुझे देख के. चलो हम लोग अपना काम खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बीच यहाँ पे जब फिर से आएंगे तो शेयर करूंगी कि फ्लरी कियारा फाइनली कैसे लग रहे हैं, उनका फाइनल लुक रिवील होगा चैनल पे. ठीक है, तो और यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है कि नहीं वीडियो मत कीजिए, फोटोज मत लीजिए. दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ओपन. इनफैक्ट द ग्रूमर शी सेड, सुदेश नदी शी सेड कि हाँ ऐसे वीडियोज तो बनना ही चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे होता है ग्रूमिंग का काम. चलो अभी तक अच्छा है, होपफुली बाद में भी अच्छा ही रहेगा. अभी घूम के आते हैं, फिर हम लोग 3 बजे तक आ जाएंगे, फिर आप लोगों से 3 बजे बात करेंगे हम, और इसके बीच में कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो वो शूट करेंगे. Time of your life. I want to figure out what it takes to give you everything you desire.
wanna lay beneath the stars with you in the back of my truck. I guess that this is what they call love, baby. How is it? Okay. Okay, not great. Tumhara coffee kahan pe hai? So this is our lunch this afternoon. सैंडविच एंड कॉफी. अब चलते चलते यही सबसे क्विक चीज है जो हम पिकअप कर सकते हैं, खा सकते हैं. मुझे खाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है तो इसलिए कार में ही लेके आ गए हम कि दीपांजन का फिनिश हो जाएगा, वो फिर चलने लगेगा, मैं खाती रहूंगी. और मैं कॉफी नहीं पीती इसलिए. और यहाँ पे चाय नहीं मिल रहा था, यहाँ पे एक कैफे है, कैफे एकांते, यहीं से हमने पिकअप किया है. और पहले हमने सोचा था सब खाएंगे क्योंकि बट सब पड़ रहे हैं ना राइट साइड में, तो वहाँ पे जाके घूम के आने में फिर लेट हो जाएगा, बच्चे वहाँ पे वेट करेंगे. इसलिए फटाफट सैंडविच और कॉफ़ी के साथ आज लंच करके फिर भागेंगे एकदम स्पा की तरफ. 3:15 इज द टाइम और 6 मिनट हमें लगेगा पहुँचने में. और फ्लरी केयरर रेडी हो गई है, मेरे पास फ़ोन आ गया था ऑलरेडी स्पा से. 3:13 इज द टाइम, 3:19 में हम पहुँचने वाले हैं. अच्छा, तो वो लोग जब हम निकले थे तो दे सेड 3, हम बोल रहे हैं बट 3:30 तक होगा, हम वही टारगेट करके आ रहे थे. बट 3:00 आई गॉट अ कॉल दैट वी आर रेडी. तो अभी हम जल्दी जल्दी वी आर रशिंग टू द स्पा कि बच्चों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े, क्योंकि जब पता चल जाता है ना कि बच्चे रेडी है तब लगता है कितने जल्दी जाकर पिकअप करूँ. तो चलते हैं, मैं भी वेट कर रही हूँ देखने के लिए कि ग्रूमिंग कैसा हुआ है, दोनों कैसे लग रहे हैं. एंड आई एम श्योर आप लोग भी वेट कर रहे हो. लेट्स गो. फ्लारु एंड क्यूक्यू लुकिंग सुपर प्रिटी एंड क्यूट. इस बार बिल्कुल हेयर का लेंथ जैसे हम चाह रहे थे वैसे ही, हम बिल्कुल नहीं चाह रहे थे इस बार ज़्यादा छोटा हो जाए. हम चाह रहे थे क्लीन, एक नीट एंड क्लीन लुक आए एंड अच्छे से कटिंग हो जाए, क्योंकि घर पे आप करते हो तो थोड़ा सा तो एब्रप्टली इधर उधर होता है. हमने अभी एक प्लान बनाया कि हम जहाँ से घर वापस जाएंगे वो मेरे घर के एकदम मतलब 2-3 मिनट की दूरी से ही हम निकल जाएंगे. तो इसलिए हमने सोचा कि पापा से एक बार फटाक से जाते हैं, 1 घंटा बैठेंगे, पापा से मिलेंगे. दीपांजन बोल रहा था कि बच्चों के खाने को लेके प्रॉब्लम होगा, बट ठीक है, पापा के घर में अंडा जरूर होगा तो मैं एक अंडा बॉईल करके दोनों को खिला दूंगी और फिर घर जाके जैसे चिकन खिलाती हूँ. 1 घंटा बैठेंगे क्योंकि बहुत दिन हो गए पापा से मिले हुए. और इसके बीच में नेक्स्ट वीक कियारा का ऑपरेशन भी है, तो उसके बाद तो एटलीस्ट आई थिंक 15-20 डेज क्या 1 मंथ विल अवॉइड ट्रैवलिंग. उसको लेके तो निकलेंगे ही नहीं, उसको अकेले भी नहीं छोड़ेंगे तब ज़्यादा. तो इसलिए हम सोच रहे हैं एक बार जब यहीं से जा रहे हैं पापा से मिल के चले जाएंगे, तो फ्लरी की अरे भी दादू से मिल लेंगे, हम भी मिल लेंगे. 3:50 तो होपफुली 5:30 तक वहाँ पे बैठेंगे फिर चले जाएंगे. ओ मामा, बट दीपांजन का एक टेंशन है कि सुसु पैड नहीं है, पी पैड नहीं है, तो फ्लरी कियारा को अभी पी तो करना है, कहाँ पे करेंगे? कर देंगे वो, कियारा कहीं पे भी कर देगी. फ्लरी भी कर देगी, अगर मैं बोलूंगा तो कर देगी, बट मैं नहीं कराना चाहता हूँ वैसे. मैं वैसे नहीं बोलता, नहीं होगा ना यहाँ पे कर दो. हाँ भाई, बट वी हैड ग्रेट एक्सपीरियंस, लवली पीपल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फ्लरी कियारा दे वेर हैप्पी. अगर बच्चे खुश है मतलब बच्चे मतलब इतने खुश थे ना, मतलब क्या बोले, हम वहाँ पे जाके लग रहा था कि ये लोग बहुत ही खुश है. हाँ. और हम आके इनका जो खुशी था उसमें कहीं पे कुछ कर दिया. दोनों एकदम आराम से बैठे हुए थे उनके पास. वेरी हैप्पी एंड वेरी एंड दे बिहेव्ड वेल एंड फ्लरी कियारा गुड गॉड बोथ वेर अप्रिशिएटेड बाय द ग्रूमर्स. दे सेड कि इतने प्यारे शांत बच्चे है, मानना ही पड़ेगा, दोनों बच्चे इतने वेल बिहेव्ड है. मैं तो मन ही मन सोच रही हूँ आते आते कि कियारा ने क्या क्या गुल खिलाया होगा. आके सुसु पॉटी सब कुछ हुआ है यहाँ पे, फिर मैं सोच रही हूँ कि और क्या क्या गुल खिलाया होगा इतने टाइम पे. बट जैसे ही हम दरवाजा खुला हमें तो प्रोडक्ट्स दैट दे यूज आर द सेम प्रोडक्ट्स दैट वी यूज एट होम, तो हमें बहुत ही एक होमली वाला फील लगा. ऐसा लगा कि अपने बच्चे यहाँ पे एकदम सेफ एंड सिक्योर्ड है, तो यहाँ पे आने में कोई दिक्कत नहीं. जनरली ग्रूमर्स के पास क्या होता है कि सारी चीजें बहुत फिशी लगता है. दे डोंट लेट यू स्टे इनसाइड so that you don't know what products they use. Even if you ask, they will say ki these are our own
ओन स्पेशलाइज्ड सलोन प्रोडक्ट्स दैट वी यूज, वो दूसरे दूसरे कंटेनर्स में रहते हैं जहाँ से वो यूज करते हैं, तो आपको पता नहीं चलता है. बट यहाँ पे इतना ट्रांसपेरेंट है, जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि वो लोग कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हैं, कौन सा कंडीशनर यूज कर रहे हैं, एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर यूजिंग. शैम्पू वहल का शैम्पू यूज कर रहे हैं, WHL का, और कंडीशनर भी आई लव डॉग्स का यूज कर रहे थे. सो आई वॉज सुपर हैप्पी टू सी दैट कि चलो अच्छे प्रोडक्ट्स है, बस अभी ग्रूमिंग अच्छे से हो जाए. सो फाइनली ये जगह मिला. द थिंग वाज दैट वी हैड प्लान टू गो समवेयर बिकॉज़ दैट वाज नीडेड, अदरवाइज दे आस्क पेरेंट्स टू स्टे बैक इफ इट इज नॉट फॉर लॉन्ग टाइम दैट दे आर कमिंग. अगर बहुत दिनों से नहीं आ रहे तो मतलब अगर नए नए हैं तो बोलते हैं कि पेरेंट्स को रुकने के लिए, जो कि हमारा एक्सपीरियंस से बिल्कुल ऑपोजिट है. बिल्कुल ऑपोजिट है. एंड वी सर्व दैट इन हाफ एन आवर फ्लरी केरा गॉट जेल सो वेल विद देम. तो हम भी निश्चिंत होके वहाँ पे छोड़ के, दीपांजन एक बार बोल रहा था क्या मैं जाओ तुम रहोगी, फिर हमने जब देखा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, स्मूथी चल रहा है, मुझे देख के कियारा ज्यादा कूद रही है, तो हमने सोचा कि हमें अभी चले जाना चाहिए यहाँ से. यही एक हमारा टेंशन था कि एवरी टाइम वी आर टेकिंग देम टू न्यू पर्सन, एंड वो बच्चों के लिए भी बहुत एंशियस होता है. बच्चों के लिए हमेशा किसी एक डॉक्टर, एक ग्रूमर, एक अगर कोई ट्रेनर है आप ट्रेनर के पास लेके जाते हो, डॉग वॉकर है, तो एक पर्सन से स्टिक करके रहना ऑलवेज एडवाइजेबल है. दे आर नॉट लाइक अस, दे आर नॉट लाइक ह्यूमंस. सो जब उनके किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ट्रस्ट फॉर्म हो जाता है, तो फिर उसको अगर आप शिफ्ट कर दो बहुत जल्दी तो दे गेट एंशियस, एंड वो बिल्कुल अच्छा चीज़ नहीं है. तो मैं बहुत दिनों से यही सोच रही थी कि कोलकाता में मुझे एक अच्छा जगह नहीं मिल रहा जहाँ पर मैं बच्चों को आराम से निश्चिंत होकर छोड़ सकूँ. आई थिंक आई हैव गॉट माई प्लेस. तो आप लोग भी अगर आना चाहते हो, मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. ये कोई स्पॉन्सर्ड कुछ भी नहीं है, हमने बिल्कुल फुल पेमेंट करके ग्रूमिंग करवाया है. सो डोंट थिंक कि आई एम एडवर्टाइजिंग समवन. मुझे सर्विस अच्छा लगा इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ. सो कोलकाता पेट पेरेंट्स, या अगर कोई कोलकाता घूमने आते हो, कुछ महीने के लिए रहते हो, ग्रूमिंग की ज़रूरत है, तो ज़रूर लेके जा सकते हो. मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ऑलरेडी एड्रेस, और स्पा का नाम तो आपने देख ही लिया, नेल्स टू टेल्स. आप आके बोल सकते हो कि आप फ्लरी एंड कियारा के रेफरेंस से आए हो, या मम्मी एंड फ्लरी टेल देख के आए हो. तो अगर आप बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, नहीं बोलना चाहते हो तो कोई बात नहीं. बच्चों को अच्छा सर्विस मिले यही हमारा एम है. क्यों क्या कर रही है दादू के घर में? फ्लारू 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 ए. तो यहाँ पे पापा पिलाएंगे चाय, और ये बन रहा है बॉइल्ड एग दोनों के लिए. एगू के खाबे, एगू के खाबे, एगू हाई फाइव दिए दाओ. हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव कियारा, हाई फाइव. ए किच्छु पारे ना पोचा, हाई फाइव. क्यों हाई फाइव? I wanna push all the limits with you right now. So watch your feelings, the city's screaming. We're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear, they will let you down. So that's how these two munchkins are sleeping. And that's the general posture that they do when they sleep peacefully and they're super tired. So both of them are super duper tired today because it was a long hectic day. And we too will doze off right now because we are tired as well. और पापा के घर में मैंने वीडियो और नहीं किया क्योंकि उसके तुरंत बाद हम वापस आ गए थे. एक्चुअली वी प्लान दैट वील स्टे देयर फॉर 1.5-2 hours, बट इसके बीच में ऐसा कुछ हुआ विच वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड एंड शॉकिंग. वी जनरली पार्क आवर कार जस्ट आउटसाइड द गेट, और रोड पे कुछ पिचिंग का काम होगा इसलिए एक ट्रक आया था स्टोन चिप लोड करके, तो उसको घुसने के लिए बाहर जाने के लिए जगह चाहिए था. सो दे केम एंड रिक्वेस्टेड अस टू मूव आवर कार. अब कार मूव करके कहीं और पे पार्क करें, आज सब जगह फुल था. सो एंड इसके बीच में क्या हुआ, मेरे पापा निकल गए थे फिश फ्राई लाने, एंड दीपांजन वॉज रोमिंग अराउंड ड्राइविंग द कार
क्योंकि उसको कहीं पार्क करने का जगह नहीं मिला, तो हम बस वेट कर रहे थे कि पापा वापस आ जाए फिश फ्राई लेकर। पापा फ़ोन घर पे छोड़ के चले गए। ऐसा भी नहीं है कि मैं फ़ोन करके बताऊँ कि मत लाओ फिश फ्राई, जहाँ भी हो जल्दी वापस आ जाओ। बट ये थोड़ा सा हौच फौच हो गया सब कुछ, और उसके बीच हम दोनों में भी थोड़ा सा फाइट हो गया, बिकॉज वी ऑल्सो हैड हीटेड आर्गूमेंट। मैं उसको बोल रही थी कि तुम कहीं पर पार्क करो या प्लीज़ कहीं पर, पापा जिस साइड पर गए हैं मुझे पता था कौन सी शॉप में गए, जाके वहाँ पर पापा को रोक लो, ये बोल रहा था नहीं वो रोड बहुत नैरो है मैं उसमें नहीं जाऊँगा। ये सबको लेके जो होता है जब भी कोई मेस हो जाता है ना, तो वैसे सिचुएशन में प्रेशर सिचुएशन में जनरली पीपल डू टेंड टू गेट इनटू हीटेड आर्गुमेंट। और ये बहुत ढीठ है, वैसे कुछ मानता नहीं है जब कुछ भी हो। तो उसके बाद इसलिए हम जल्दी जल्दी वापस आ गए। बच्चों को मैंने एक भी खिला दिया था, बट फिर भी हम वापस आ गए। पापा जो फिश फ्राई लाए थे हम दोनों के लिए वो हम लेके आ गए। पापा का फिश फ्राई पापा के पास ही रह गया, और पापा ने थोड़ा सा चिकन भी पैक करके दिया था, क्योंकि आज घर पे जो खाना बनाती उसने चिकन बना था, तो पापा ने बोला घर जाकर थोड़ा टेस्ट कर लेना। तो ऐसे ही बस, तो इसका आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आज का जो ग्रूमिंग सेशन और मैंने आपके साथ शेयर किया, जो स्पा के बारे में शेयर किया, आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा, उसके बारे में जान के अच्छा लगा। एंड अगर किसी का और कुछ जानना है, कोई क्वेश्चन है, सो डेफिनेटली कमेंट करके पूछना। एंड ये वीडियो को ज़रूर एक लाइक दीजिएगा प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, ये फ्री है, तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, एंड ज़रूर बताना फ्लरी और कियारा कैसी लग रही है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फरी बेबीज एंड योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। स्टे हैप्पी, स्टे पॉसम, बाय बाय, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में।